हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अंसारी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वायरलेस डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी हाई स्पीड में। आप पीसी यूजर हो या लैपटॉप यूज करते हो, एंड्रॉइड यूजर हो या फिर आईओएस यूजर हो। आईफोन वालों को मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि उन्हें आईट्यून्स इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पीसी में, तब वो जाके डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे कि आप जो है वायरलेसली डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे हाई स्पीड में, वो भी सिंपल सिर्फ एक वन क्लिक में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और यहाँ टाइप कीजिए आप एयरड्रॉइड, और इसके बाद सर्च कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको सीधे ओपन कर दूंगा। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं पहले। तो ये मैंने ओपन कर दिया, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको आप आगे ऐसे बढ़ा दीजिए और साइन इन लेटर कर दीजिए। साइन अप बाद में कर सकते हैं हम। तो अब इसके बाद में देखिए, आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो, और जिसमें आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपका पीसी या लैपटॉप दोनों ही सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। इसका मतलब ये कि आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं और आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने जो है हॉटस्पॉट के थ्रू अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अगर डेस्कटॉप यूज़र हैं तो आप सेम वाईफाई राउटर के थ्रू अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में ही आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आपको पहला ऑप्शन मिलेगा एयरड्रॉइड बैप का, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो सामने आपको एक आईपी लिखी हुई नज़र आ रही होगी, http://192.168.0.100, आप इस पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप इसको अपने ब्राउज़र में ओपन कीजिए। देखिए, जैसे मैंने कि पहले डाल रखा है, तो मैं यहाँ पर डाल रखा हूँ और एंटर करना है। तो इसके बाद में देखिए, जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए, आपका जो पूरा फ़ोन का डेटा है वो इसमें आ चुका है। तो यहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि Xiaomi Redmi Note 4 मेरा डिवाइस दिखा रहा है, उसका स्टोरेज दिखा रहा है कितना है, यहाँ फोटोज, स्क्रीनशॉट, मैसेज, कॉल लॉक्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो आपको अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपको फाइल्स को ओपन करना होगा। तो ये देखिए, सारा हमारे जो फ़ोन के फोल्डर हैं वो यहाँ आ चुके हैं। तो आप जिसको भी अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा इसको, तो ये देखिए फ़ोन में जो हमारे डेटा कॉपी हो गया। और आप अगर यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं इसको, तो डिलीट भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि डिलीट कीजिए। और आप अगर इसको यहाँ पर फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं फ़ोन से अपने पीसी में, तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये देखिए डाउनलोड हो गया, और स्पीड भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लगभग 10 Mbps तक स्पीड हमारी पहुँच जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही फास्ट तरीके से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंपली वन क्लिक में। तो यदि आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ट्रिक, और आपके शायद बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।